नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ये है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश के नब्ज। हम अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाते हैं जो एक तरह से वो आपका EVM है, और जैसे ही आप एक QR कोड स्कैन करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पर सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है। आपको अपना जवाब चुनकर उसे सबमिट करना होता है और आपका वोट दर्ज हो जाता है। तो मोबाइल निकालिए और देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार। तो अब हम आते हैं आज के एजेंडे पर। क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज टाइम्स नाउ समिट में एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवाल पर LG वीके सक्सेना ने कहा कि वो दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में जेल से सरकार नहीं चलेगी। आप एक मीडिया नेटवर्क टाइम्स नाउ के समिट पर आए हैं तो एक हेडलाइन तो बनती है। दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कई बार पोएट्री गानों का बहुत शौक रखते हैं। आज इस मौके पर फिट होता हुआ अगर कोई शायरी या कोई गीत सुना दे। देखिए, ये ओकेजन नहीं है गाना गाने का, और मैं गाता हूँ ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी महफिल में नहीं गाया, और खासतौर से इतनी बड़ी महफिल का तो मैं सपना भी नहीं सोच सकता हूँ गाने के लिए। मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, और बाथरूम में जब आप नॉब ऑन करते हैं जो ठंडा पानी आता है तो उस वक्त सुर कुछ और निकलते हैं, और अचानक जब उसमें से बहुत गर्म पानी आने लगता है तो आपको मालूम है सुर बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऑटोमेटिक बाथरूम में सारे सिस्टम्स नहीं है, सब मैनुअली हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको। तो LG के इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना तय है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है आज जो आपको, जिस पर आपको जवाब देना है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो आप मूड मीटर घुमाना शुरू कर दीजिए, आगे और भी सवाल जोड़ेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं सुनीता केजरीवाल का वो बयान जिसमें वो दावा कर रही हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले पर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सतीन जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। अब सुनीता केजरीवाल के इस बयान के बाद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि केजरीवाल के पास अगर वाकई खुलासा करने के लिए कुछ था तो क्या वो अब तक अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे? अगर उन्हें वाकई मालूम है कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया है तो अब तक चुप क्यों थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल एक बार फिर सिर्फ वही माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जो पहले भी वो कई मौकों पर बनाते रहे? सवाल कई और है जिसका जवाब अपने गेस्ट से लेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिस पर आपको आज घुमाना है देश का मूड मीटर। तो सवाल नंबर एक, पहला सवाल जो है, सवाल नंबर एक ये है कि केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, वो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ये है, और ऑप्शन ए है हाँ तुरंत लगना चाहिए, ऑप्शन बी है कोर्ट के फैसले तक नहीं लगना चाहिए, और ऑप्शन सी है बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और अब सवाल नंबर दो,
केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ऑप्शन है कि सत्ता के लालची हो गए हैं इसलिए नहीं दे रहे, पार्टी हाथ से निकल जाने का डर सता रहा है इसलिए नहीं दे रहे, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति शासन पर मजबूर कर रहे हैं। अब सवाल नंबर तीन जरा देख लीजिए, ईडी हिरासत से केजरीवाल के सरकार चलाने को आप कैसे देखते हैं? तो केजरीवाल का यह फैसला अनैतिक है जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं, केजरीवाल कानूनी रूप से सही है ये भी बहुत लोग कहने वाले हैं, और ये मोदी सरकार को एक तरीके से खुली चुनौती है। आप क्या सोचते हैं? आप फटाफट वोट करना शुरू करिए। सवाल नंबर चार देखते हैं। सवाल नंबर चार है कि आज के और आंदोलन के समय के केजरीवाल में आप क्या फर्क देखते हैं? तो ऑप्शन ए है कि आज भी कट्टर ईमानदार हैं, ऑप्शन बी है केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, और ऑप्शन सी है सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। सवाल नंबर पांच आखिरी सवाल है, सुनीता केजरीवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? बाकी लोग उनके मंत्री या उनके पार्टी के दूसरे जो नेता हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और इस पर आपके पास क्या ऑप्शन है? वोटिंग के लिए, सहानुभूति पाने के लिए सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा है, उत्तराधिकारी बन सकती हैं वो, नेक्स्ट सीएम हो सकती हैं इसलिए वो बार बार पीसी कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वही आ रही हैं, या वो पत्नी हैं और चूंकि वो रोज उनसे उनको मिलने की इजाजत है इसलिए वो सामने आ रही हैं पीसी कर रही हैं? आप क्या सोचते हैं इन सवालों पे? आप जवाब देना शुरू करिए, मूड मीटर घुमाना शुरू करिए, और हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। आज हमारे साथ चार खास मेहमान हैं, अनुजा कपूर हैं प्रवक्ता बीजेपी, शुभ्रास्था हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक, और शुभ्रांश राय कांग्रेस के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाशदीप मुनि भाई, अगर इतनी जानकारी, इतना मनी ट्रेल अगर सब जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या वो अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले गिरफ्तारी हो फिर ईडी उनको पेश करे फिर उस पर रिमांड मिल जाए और उसके बाद कुछ दिन वो रिमांड में वहां उनकी कस्टडी में रहें, थोड़ा माहौल बनाएं और उसके बाद बताएंगे देश को और दिल्ली को कि भाई ये शराब घोटाले का पैसा कहां गया? देखिए रंजीत जी, मुझे नहीं पता कि ना कि वो क्या बताने, ना मैं एक सिंपल सा राजनीतिक विश्लेषक हूं, मुझे नहीं पता कि वो क्या बताने। नहीं तो बट मैं एक चीज जानता हूं, सुनीता केजरीवाल ने तो कहा कि वो बताएंगे कि ये तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ना कि भाई अरविंद केजरीवाल क्या बताते हैं, पर मैं कुछ बता सकता हूँ आपको इस केस के बारे में। बताइए ना। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे तकरीबन दो मेन अप्रूवर है जिनके बयानों पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। एक शरत रेड्डी है, एक मुगुंथा रेड्डी। शरत रेड्डी है वो जो पहले, उन्होंने नवंबर 2022 में जब उनको गिरफ्तारी नहीं की गई थी, इंट्रोगेशन चल रहा था, तब उन्होंने, उनको पूछा गया कि ना कि क्या आप सारे इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि ना मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला, ना मैंने कोई पैसे लिए, ना कोई पैसे दिए, मैंने टेंडरिंग प्रोसेस से लिया है और मैं बिल्कुल इन्वॉल्व। इंटरेस्टिंगली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 महीने वो रहते हैं जेल। 6 महीने के बाद वो कुछ 5 करोड़ रुपए बाय इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स देते हैं भारतीय जनता पार्टी। आकाशदीप मुनि, आकाशदीप मुनि, आप लोगों को आप भरमाइए मत, ये शरत रेड्डी बहुत छोटे किरदार हैं, आप ये क्यों नहीं बताते कि भाई इसमें जो 4-5 बड़े किरदार हैं, भाई इसमें सी अरविंद जिनके साथ आमने सामने बिठा कर कल पूछताछ हुई, सी अरविंद की बात क्यों नहीं करते, जिन्होंने कहा कि जब 30 पेज का डॉक्यूमेंट मुझे दिया गया और कहा गया कि ये जीओएम की सिफारिश है और इसी के आधार पर नई शराब नीति बननी है, उस समय अरविंद केजरीवाल भी वहां सिसोदिया के साथ मौजूद थे, ये बात क्यों नहीं कहते? आप वो बात क्यों नहीं कहते जिसमें कि मगुंटा रेड्डी कहते हैं, मगुंटा श्री, मैं बता रहा हूं ना, श्रीनिवासन रेड्डी कहते हैं, वो क्या कहते, आपने उनका बयान सुना, उन्होंने क्या क्या कहा, जो बड़े किरदार है उनके बारे में बात करिए ना, उन्होंने कहा कि मैं मिलने गया अरविंद केजरीवाल से, आधे घंटे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप जाकर के कविता से मिलिए, हमारी इस बारे में उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और उनसे इस बात साफ साफ बात हो चुकी है कि साउथ लॉबी अगर दिल्ली आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, आपको सारी फैसिलिटी देंगे, बदले में आपको 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे हमारे इलेक्शन फंड में। भाई ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं आप कहां से कौन शरत रेड्डी और कहां आप छोटे छोटे ठुटपुंजिये किरदारों की बात कर रहे हैं, जो बड़े किरदार हैं, जो सांसद हैं, जो डिप्टी सीएम हैं और जो सचिव हैं डिप्टी सीएम के, उनकी बात तो आप नहीं करोगे। सर कहने तो दीजिए आप कहने, अरे भाई हम क्यों कहने दें, आपको आप यहां पर लेकर दो ठुटपुंजिये किरदार को लेकर आ गए और आप उनको चमका रहे हो, तो आप गुमराह कर रहे हो ना लोगों को। देखिए आपका वॉइस रहेगा तो मेरा वॉइस लो, नहीं आप बोलिए ना, 3 सेकंड सुन लीजिए।
हाँ क्या होता है कि ना कि आपने इस केस को टोटली देखा है ईडी के चार्जशीट, लगता है आपने सिर्फ ईडी का चार्जशीट पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपने, आपने और आपने आपकी आप बताइए आपने तो बिल्कुल ही पढ़ा है। आपके पास मैं बताने के लिए पढ़ा क्या है, हूं, आपके पास आप बताने के लिए आकाशदीप मैं पुनी आपको क्या बता है? रहा हूं कि ना कि 40 आम आदमी करोड़ पार्टी रुपए ने, आम आदमी पार्टी ने कौन सा आप डॉक्यूमेंट देखिए जारी ना, वो किया पब्लिक लोअर डोमेन में जाएगा सर, कि आप भाई ये भी देखिए देखो, ये भी आपको एक ऑल्टरनेट समझ में नैरेटिव नहीं है, आएगा, एक एक आपको समझ में ऑल्टरनेट नहीं ट्रूथ ये आएगा भी ना। है, ये भी एक चीज है जिस पर देखना चाहिए। क्या बताया आपने, अरे बताइए ना मुझे। आप सुनना ही नहीं चाहते, 40 करोड़ रुपए आपके लिए बड़ा छोटा रकम होगा, मेरे लिए तो बड़ा बहुत बड़ा रकम है। क्या शरद रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से? मनी ट्रेल अरे तो तो साबित इलेक्टोरल हुआ है, बॉन्ड, तो अरे आप लोगों को सुनिए जब तो जब आपसे सही। शराब पॉलिसी पे बात अरे होती है तो आप यार इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले जाते हैं, जब शराब नीति पे बात आप होगी, जब शराब घोटाले पे बात होगी तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले जाएंगे। भाई बात करिए ना, आप यहाँ पे शराब घोटाले पे बात करने के लिए आए हैं ना देखिए, आकाशदीप पुनी, मैं एक आप बहुत ही इलेक्टोरल बॉन्ड की बैलेंस्ड बात वे क्यों में कर रहे हैं बात फिर? कर रहा हूं। आपको पता है कि ना कि उस शराब नीति में तीन सिग्नेचर हुए थे, एक एलजी का, एक चीफ सेक्रेटरी का, एक फाइनेंस सेक्रेटरी का। क्या आपने उनका बाइट लिया एज ए जर्नलिस्ट? हाँ लिया आपने? क्यों आप नहीं गए अब तक बाइट लेने? किस बात का डर है आपको? भाई, ये मैं आपसे पूछना साइन चाहता हुआ हूँ था क्या, पत्रकार के। साइन जो नई शराब पॉलिसी एलजी बनी, से तो क्या बाइट शराब लिया? पॉलिसी में, एक मिनट आकाशदीप पुनी, शराब पॉलिसी में लिखा हुआ था कि आप इसके बदले में 100 करोड़ रुपए किकबैक लेंगे, जिस पर कि साइन कर दिया एलजी ने, इसलिए उनसे जवाब लेना अरे चाहिए। फिर क्या आपने शराब चार्जशीट पॉलिसी में सिर्फ लिखा हुआ पढ़ानी था क्या, पड़ी क्या शराब पॉलिसी में लिखा सर? हुआ था क्या कि इसके बदले में क्या आपके फंड में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? शराब घोटाला ही क्वेश्चनेबल है? अगर शराब घोटाला क्वेश्चनेबल है, शराब शराब पॉलिसी घोटाला क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल, हाँ शराब घोटाला में क्या शराब को क्वेश्चनेबल है? क्या आप बोल रहे हैं? ये आपने शराब बिल्कुल पॉलिसी सही पूछा, सही, क्वेश्चनेबल नहीं बिल्कुल है? सही, क्या बोल सही रहे जगह हो? नब्ज रख, आर यू सही सेइंग नब्ज दिस? पे हाथ रख रहे हैं। शराब घोटाला क्या क्वेश्चनेबल आप है, बोल लेकिन रहे हैं कि क्या शराब शराब घोटाले पॉलिसी में क्वेश्चनेबल है कि आपने एक लॉबी के साथ मिलके उसको फायदा रंजीत जी, दिलाया क्या और उसके बोल रहे हैं? बदले में शराब बैक चैनल से पॉलिसी 100 करोड़ रुपए क्वेश्चनेबल लिए, नहीं है? 100 करोड़ रुपए लिए। ये शराब पॉलिसी जब बनी थी, जो एलजी से साइन होने गई थी, उसमें नहीं लिखा हुआ था ये कि इसके बदले सर में आप 100 करोड़ रुपए क्या बोल पिछले रहे हैं कि ना दरवाजे कि से शराब पॉलिसी घूस लेने जा रहे क्वेश्चनेबल हैं? नहीं है? सर आप क्या बोल रहे हैं कि शराब पॉलिसी क्वेश्चनेबल नहीं है? एक्साइज पॉलिसी नॉट क्वेश्चनेबल? थैंक्स क्या यू आप ये नजार। बोल रहे हैं? क्योंकि ईडी तो क्वेश्चन कर रही है इस हाँ कोर्ट में। आपने ईडी की चार्जशीट अच्छी तरह नहीं पढ़ी कि ना कि भाई हमने हमने मुकुंदा खूब अच्छी रेड्डी? तरह पढ़ी है, हमने बहुत नहीं अच्छी सर, नहीं तरह पढ़ी पढ़ी है, आपने। उसमें अगर पढ़े उसमें होते तो कोई डाउट पॉलिसी नहीं है। क्वेश्चनेबल आपको अगर है, कोई, अगर उसमें इसीलिए कोई ईडी कोई क्लैरिटी को चाहिए तो जांच मुझसे कर रही पूछ है। और जो लीजिए। आप बोल रहे हो दैट सब कुछ एलिगेशंस के दायरे में है, अरे और क्या, अब तो तक शुरू में कुछ प्रूफ एलिगेशन नहीं ही तो हुआ होते है। हैं, शुरू में ट्रायल एलिगेशन ही तो नहीं होते हैं, और क्या शुरू होता हुआ है, है सर। और क्या होता आपको है? पता है ट्रायल नहीं शुरू हुआ है? आपको पता है आर्ग्यूमेंट अरे सब भाई, कुछ शुरू नहीं ट्रायल हुआ है? पता है आपको? ट्रायल कैसे शुरू होगा? आज आपके वकील जो हैं, आम आदमी पार्टी के वकील, जो सरकार के वकील हैं, वो जाकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आपने पूछताछ के बगैर कैसे गिरफ्तार कर लिया, ये पूछताछ के बगैर गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। भाई आपको 9-9 समन भेजे गए, आप आएंगे नहीं पूछताछ के लिए और आपकी आपने गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि आप क्यों सर क्यों गिरफ्तार कर ये रहे हैं? ईडी ने कहा, सुने 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 सर, कोर्ट में ईडी ने कहा कि ना कि पहले हम गए, हमने पूछताछ की, हमें पूछताछ में कुछ नहीं मिला इसलिए हमने गिरफ्तार किया। इसीलिए कोर्ट में लॉयर ने बोला कि भाई पूछताछ ही नहीं हुई, जो ईडी बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा आप जांच करेंगे नहीं तो ईडी ने ये नहीं आपको भी कहा, पता ईडी लगे। ने जो कहा, अगर ईडी ने मैं बताऊंगा तो कहा फिर आपको बिना दिक्कत होने बिना लगेगी। पूछताछ के ईडी ने अरेस्ट क्या किए कहा हुए थे, है? पता ईडी है ने जो आपको? कहा वो आप नहीं बताएंगे? ईडी ने ये बिना कहा कि बिना अरविंद केजरीवाल आर इस पूरे सेइंग घोटाले कि का इंटरव्यू मास्टरमाइंड बिना है। गिरफ्तारी एक मिनट हुई? आकाशदीप पुनी, आकाशदीप पुनी, आपके आप ईडी ने जो कहा, ईडी के वकील ने जो कहा, अगर मैं फिर कोट करूंगा तो आपको दिक्कत होगी। आज अगर उन्होंने मैंने कहा कि आपको अरविंद केजरीवाल इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, इसलिए इस आदमी से पूछताछ जरूरी है। उसने कहा कि ये आज मैं शराब आपको पॉलिसी उठाना बनाने चाहता में इसकी हूं, सहायक और भूमिका आप नहीं, सुनिए बल्कि सुनिए, ये मुझे आदमी 10 सेकंड केंद्रीय दीजिए, भूमिका 10 थी सेकंड इसकी, इस आदमी के इशारे रंजीत पे जी सारा सर, काम 10 हुआ, सेकंड 10 सारा सेकंड जाल रचा बिना गया, रोके। इस आदमी ने पैसे की मांग की, इसलिए इससे पूछताछ जरूरी है, ये कहा, ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। अब मुझे 10 सेकंड देंगे आप बिना रुकावट के, 10 सेकंड, ठीक है? पहला आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ रंजीत जी के सामने, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ रंजीत जी मुझे प्रूफ करते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, 10 सेकंड बिना रोके प्लीज मत बोलिएगा। एकदम बोलिए। ईडी के लॉयर ने, एएसजी राजू ने कोर्ट में बोला कि ना कि मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। पहला चीज, जो आप बोल रहे हो मनी ट्रेल साबित हो गया वो गलत है, कि कोई भी बोल रहा है गलत है। दूसरा चीज, ईडी के लॉयर ने कोर्ट में बोला है कि ना कि अरविंद केजरीवाल अक्यूज नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रूफ कर दो।
नहीं, दो बातें, दो बातें आपने कही, दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन मनी ट्रेल साबित होना है, मनी ट्रेल का पता लगाना है, क्योंकि 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 दो क्योंकि क्योंकि चार बड़े किरदारों ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कि उस आदमी की भूमिका, वो सेंट्रल रोल में था, उस आदमी ने सब कुछ मिलकर तय किया सिसोदिया के साथ, इसलिए उससे पूछताछ जरूरी है। मनी ट्रेल साबित होना नहीं होना बाद की बात है, आप तो पहले जांच के लिए पूछताछ के लिए सामने नहीं आना चाहते हैं। सवाल ये है, लोग क्या कह रहे हैं, जरा रुकिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा एक बार लोगों की राय का भी देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार रुझान देखना जरूरी है। केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ तुरंत लगाया जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, 77% लोग मानते हैं, 18% लोग कहते हैं कि नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अगला फैसला क्या होता है उसके हिसाब से तय होना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% हैं। यह है लोगों की राय, अगर दिल्ली के लोगों की राय है तो इसमें जरूर दिखा दीजिए कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। जरा एक बार शुभ्रांश राय के पास चलेंगे, शुभ्रांश राय, ये अजीब सी मजबूरी में फंसी हुई है कांग्रेस भी कि तुम्ही से मोहब्बत वाला जो गाना है ना, और तुम्ही से वही वाला हाल है शुभ्रांश राय कि उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, करे तो क्या करें, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी दोस्ती गांठ ली ऐसे आदमी से कि डिफेंड भी नहीं करने में बन रहा और आरोप भी नहीं लगाया जा रहा। नहीं ऐसा है रंजीत बाबू कि हमने आपको फुर्सत से सुना है, थोड़ा आप भी सुनिएगा। हाँ। राजनीतिक पार्टियों ने मीडिया से सबक लेना शुरू कर दिया है। हाँ। भारतीय मीडिया 2014 से पहले जिसको तड़ीपार कहती थी आज उसके सामने मस्तक झुकाए बैठती है, तो आपको भी ना निगलते बनता ना उगलते बनता। ये तो राजनीतिक है। हाँ। सुबह कुछ और होता है, शाम कुछ और होता है, अच्छा कुछ और बात करते हैं। आपने कई बार यूज किया टुटपुजिया। क्या आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के 140 करोड़ लोगों को टुटपुजिया समझती है? आइए मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े मगरमच्छों की कहानी। आप बड़ा छोटा छोटा जिक्र कर रहे थे और सबका संबंध इस लीकर पॉलिसी के स्कैम से जुड़ा हुआ है, ध्यान रहेगा, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। अच्छा बोलिए ना, बोलिए ना भाई। हाँ। पहला नाम, हाँ। गुजरात मॉडल के नाम पे पहला नाम गुजरात की फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल, तीन तीन बार ड्रग्स में फेल हो गई, फिर भी उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया और उसको लाइसेंस दे दिया देश के 140 करोड़ लोगों। मुझे मालूम था कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जाएंगे, मुझे मालूम था कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जाएंगे। तो शुभ्रांश राय, शुभ्रांश राय, अगेन मैं वही फिर सवाल करूंगा जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सवाल यह है कि भाई अगर 8000 करोड़ रुपए अगर बीजेपी को मिले हैं तो 2000 करोड़ रुपए क्या आपको मुंह दिखाई में मिले हैं? क्या मुंह दिखाई में मिले हैं आपको 2000 करोड़ रुपए? क्या शुभ्रांश राय सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए लीजिए। मुझे मालूम है कि आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, कोई बेचैनी वाली बात नहीं है ना, आप गलत तर्क दे रहे हैं ना। अरे तर्क आपको जेन्युइन दे रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए। आपने हाँ। बड़ा टुटपुंजिया जिक्र किया, बड़े टुटपुंजिया, मैंने टुटपुंजिया किरदारों की बात की, किसी व्यक्ति की नहीं। मैंने कहा कि छोटे छोटे मोहरों की बात आप कर रहे हो, बड़े मोहरों की बात करो ना। प्रभु दो कान दिए हैं महादेव ने, थोड़ा सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, वैसे भी सारा साउंड मीटर आपके पास ही है। दूसरा, सिप्ला, उसका सब लोग सिरप पीते हैं सर्दी खांसी जुकाम में, उसकी भी 6 दवाइयां ड्रग्स में फेल हुई, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पॉकेट में डालो और जाओ, देश के 140 करोड़ लोग तो टुटपुंजिया है, उनकी जिंदगी से खेल जाओ। इस पर रंजीत कुमार चुप रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही बोलेंगे इनका मीटर खराब हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस शरद रेड्डी का आप जिक्र करते, छोड़ दीजिए रेड्डी पेड्डी को, इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि कल तक जो चोर थे, कल तक जो डकैत थे, कल तक जो चोरी के अपराध में जेल में थे, वो अचानक चंदा देके रातों रात आपके सरकारी गवाह। शुभ्रांश राय, तय करके आए हैं ना, तय करके आए हैं ना कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे शराब घोटाले, नहीं बोलेंगे, तय करके आए हैं ना। सुन तो लीजिए, रुके रुके, अरे शराब की बात हो रही सर, आपने भूमिका बनाया ना 15 मिनट का पैकेज, भूमिका तो लीजिए, एक मिनट भी नहीं लिया हमने, चलिए जो यस नो बोला हम लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं। रुकिए, तो सवाल ये पैदा होता कि कल तक जो चोर था वही आज ईमानदार बन बैठा है, कल तक जो बलात्कारी था उसी को आज आपने सर्वे सर्वा बना रखा है, अब नाम मैं नित्यानंद। ये कहावत तो आप पे बहुत फिट बैठती है, आपने तो मौके से बोला, आपने मौके से बोला कि कल तक जो चोर था आज ईमानदार बन बैठा है। भाई कल तक आपके नेता, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता इतनी बड़ी बड़ी पीसी करते थे, इतने इतने डॉक्यूमेंट लाकर कितने सबूत दिया करते थे, और आज है कि आप मतलब
हाँ, अरे तो मैंने पूरी ताकत से हमको डिफेंड करने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को। अरे हमने आपकी बात को अगर हमने सुन समझ लिया, हमने मीडिया से सीखा, हाँ। नया ट्रांसफॉर्मेशन की कल तक जो 100 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला तिहाड़ी था, आज वो राष्ट्रवादी बन गया। 100 करोड़ की वसूली मांगने वाला जो तिहाड़ से रिटर्न होकर आया वो राष्ट्रवादी बन गया। आप पहले के सवाल पे दूसरे का जिक्र और दूसरे के सवाल पे तीसरे की बात, आप ऐसा करके कोई फायदा नहीं है ना सुभ्रांश राय। शराब घोटाले पर केजरीवाल को आज की तारीख में कांग्रेस उसको उगलते निगलते नहीं बन रहा है, ये एक सवाल है जिसका जवाब नहीं देंगे आप। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे आप, तमाम मीडिया के लोगों की बात कर लेंगे, हमारी बात, उसकी बात, सबकी बात हो जाएगी, बस केजरीवाल की बात नहीं करेंगे। आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, केजरीवाल की बात नहीं करेंगे आप। अरे केजरीवाल पे आ रहे हैं भाई, भूमिका तो आपसे सीखा है, भूमिका तो बनाने दीजिए। ठीक है, जरा लोगों से लोगों, आप नहीं बोलेंगे लेकिन लोग बोल रहे हैं, लोग बहुत बड़ी संख्या में बोल रहे हैं, लोग 22,000 लोगों ने वोट किया है अभी तक, 22,000 लोगों ने वोट किया, क्या कह रहे हैं सवालों के जवाब में जरा देखिए। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि सत्ता के लालची हो गए हैं केजरीवाल, और 54% लोग मानते हैं, 31% लोग मानते हैं कि पार्टी के हाथ से निकल जाने का डर है इसलिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते, और 14% लोग सिर्फ मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि सत्ता के लालची हो गए हैं या डरे हुए हैं। लालच और डर दो बड़ी चीज है जो लोग मानते हैं। सवाल नंबर जरा तीसरे का भी एक बार रुझान देख लेते हैं, लोग क्या कहते हैं। ईडी हिरासत से केजरीवाल के सरकार चलाने को आप कैसे देखते हैं, 22,380 लोगों ने वोट किया है और 91% लोग मानते हैं कि केजरीवाल का फैसला अनैतिक है, अनैतिक। आप समझिए, शब्द पर गौर करने की जरूरत है। इसी सुचिता और स्वच्छता की बात करते थे राजनीति में अरविंद केजरीवाल, आज खुद नैतिकता के कटघरे में वो कैसे खड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि अनैतिक फैसला है, ये अनैतिक बात है अरविंद केजरीवाल की। और केजरीवाल कानूनी रूप से सही है ऐसा मानने वाले लोग 3% हैं और 6% लोग मानते हैं कि ये मोदी सरकार को चुनौती देने वाली बात है, वो सिर्फ उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अनुजा कपूर भाई, बीजेपी अगर ये देखा जाए कि भाई अगर नहीं केजरीवाल मान रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन है कि सरकार को, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्या ये राजनीतिक जोखिम लेने को तैयार है पार्टी और सरकार? जय श्री राम। मैं सुन रही थी हमारे सारे पैनलिस्ट को, जो हमारे कांग्रेस के, जो अब तो अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे की गोदी में जाकर बैठ गए हैं, अब इन दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना जो पानी पी पी कर गालियां देते थे एक दूसरे को, आज बड़ा एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। और इतनी इतनी पीसी करी थी, वो वक्त भी याद है, सब डोमेन के अंदर है कि किस तरीके से इन्हीं के अजय माखन क्या बोल रहे थे इनकी। आप देखिए कि जो उस टाइम पर जब पूरी पीसी हो रही थी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितना पैसा खाया है, कितना पैसा खा कर 100 और मुझे लगता है 100 करोड़ का इन्होंने भी बात करी थी। और सबसे पहले कहते हैं कि हम ही नहीं लिकर पॉलिसी का उजागर किया है, हम ही नहीं सबसे पहले बात करी। और आज आप अरविंद केजरीवाल जी के इतने करीबी हो गए कि उन्होंने जो आपकी सत्ता लूट ली, आपके बनाई हुई पंजाब को लूट लिया, नई लिकर पॉलिसी को खाकर, उसको पेट में भर कर, उसको आपका पंजाब खा गए, उससे दिल्ली खा गए, आप उनके साथ बैठकर आज साठगांठ कर रहे हैं। आप उनके लिए थाली, जो पहले मोदी जी के लिए कहा करते थे कि कोविड में थाली बजा रहे हैं, आज ये थाली बजा कर सड़कों पे उतर गए और आज बातें कर रहे हैं। अरे पूछने वाले तो हम भी पूछेंगे भाई साहब कि ये सीबीआई और ईडी से डर गए अरविंद केजरीवाल, कैद की रिपोर्ट ले लेकर बड़ा कोसते थे आप भी, आज क्या हुआ, आज कांग्रेस के साथ खड़े हो कि आज कांग्रेस की गोदी में हो? आज सोनिया गांधी जी के बारे में बोलोगे या उन्हीं को जाकर समोसे और चाय खिलाओगे? सुभ्रांश केजरीवाल, सुभ्रांश राय के लिए कितने सारे सवाल आपने खड़े कर दिए इकट्ठे, सुभ्रांश राय आप उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद सुभाषता के पास चलेंगे। ये आपको भी बहुत ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी ये बात करने की कोशिश कर रहे, तो जरा 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मेरी भी भड़ास है, थोड़ी निकाल लूं भाजपा होते हुए, मैं भी निकाल लूं।
मैं भी समझ लूं आज जिन अप्रूवर के बारे में ये लोग बात करने गए हैं, क्या उसी अप्रूवर में संजय सिंह अंदर बंद है? उसको नहीं दिया ना बेल, नहीं मिली ना बेल? मनीष सिसोदिया अंदर बंद है ना, नहीं मिली ना बेल? अप्रूवर अप्रूवर दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, ठीक है शुभ्रांश राय, शुभ्रांश राय, ठीक है मुझे लगता है पर्याप्त भड़ास निकाल ली है आपने, जरा उनको उनको जवाब देने का भी मौका देना चाहिए। शुभ्रांश राय जरा जल्दी जल्दी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ये यही भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चरित्र है। इन्होंने उन तमाम कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अभी लेटेस्ट नाम मैं आपको एक बता देता हूं, कल जिनको आपने पंजाब से ज्वाइन कराया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, फिर उनको आपने सुने, अरे रुकिए तो भाई अब सुन लीजिए, अरे रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं थोड़ा भविष्य बता देता हूँ, मैं सुनो अनुजा, अनुजा प्लीज मर्यादा में रहिए, अनुजा प्लीज मर्यादा में रहिए, अरे सुनिए भाई सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए मैं आपका थोड़ा भविष्य बताता हूँ आपको, आपको मजबूरी क्या है, बताइए बताइए, जिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो बाद में भारतीय जनता पार्टी तो उनको सर पे बिठा लेती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबी उठाते रह जाते हैं। हरियाणा में 10 में से 6 सीटों पे चुनाव पूर्व कांग्रेस ही लड़ रहे हैं, ये भाजपा ही क्या सिर्फ दर्री बिठाएंगे? बता दीजिए भैया, ठीक है, खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो बाद में उनको ही सर 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 करना पड़ता है, ये तो आप लोगों का स्टैंडर्ड है, इसलिए बोलता हूँ शान से कांग्रेसी बनी है और नहीं दूसरा। अरे मैडम सुनो ना, सुन दो मैडम सुनो ना, अरे आप क्यों 2 रुपए की ट्रोल आर्मी बन रहे हो, थोड़ा सुनने का सब रखो और ध्यान से सुनो अनुजा कपूर और ध्यान से सुनो, और जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ अभी आपने जय श्री राम का उद्घोष किया, बड़ा अच्छा लगा कानों को, छोड़ना शुरू कर दिए, अरे भैया सुन तो लो, क्योंकि हमें पता है, अरे एक मिनट, क्या क्या करते रहे संदेश खाने का यार, अरे मणिपुर बोलने वाले मणिपुर गए, नॉर्थ ईस्ट गए, खामोशी छा गई, ठीक है, नहीं मुझे लगता है डिबेट बहुत बहुत दूर निकल गई, डिबेट डिबेट बहुत बहुत दूर निकल गई, बहस बहुत दूर जा रही है वहाँ, आप लोग मैं एक बार फिर से वापस लौटता हूँ, शुभ्रास्ता के शुभ्रास्ता, शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेताओं के खिलाफ क्या क्या बोला करते थे जिनके साथ, है ना वो आज तो भाई केजरीवाल भी तो एक समय था ना कि ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों के नाम ऐसे पॉकेट से निकाल के रखते थे जैसे कि उनके पास पूरा उन्होंने उनके उनकी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, पूरी जन कुंडली है उनके पास, और उन्हीं के साथ लालू से लेकर और तमाम लोग जो लोग कभी उनकी 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 लिस्ट में हिट लिस्ट में हुआ करते थे आज उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, एकदम आप सत्य वचन कर रहे हो, ऐसे ही लिस्ट निकाल के चलते थे जैसे नरेंद्र मोदी, शुभ्रास्ता शुभ्रास्ता इसका जरा जवाब ले लेते हैं ना कि भाई ये अगर अगर ये अनैतिक अनैतिक है तो ये सबके लिए है ना। शुभ्रांश जी पहले शांत हो तब तो मैं कुछ कह सकती हूँ। नहीं आप अपनी बात शुरू करिए ना उसके बाद। हाँ देखिए मैं अचंभित हूं कि आज कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इतना पुरजोर तरीके से उतरी हुई है। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को दिल्ली में लगभग नगण्य कर दिया और ऐसा नगण्य किया कि अभी कांग्रेस सोच नहीं सकती कि दिल्ली में एक भी सीट उन सीटों पर जीत जाए जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक्टिव है। वैसे शुभ्रांश राय अगर आज डिफेंड कर रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है ये सोच करके। रंजीत जी नहीं इतने जोरदार तरीके से तो आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं डिफेंड, मैं मुझे इतने जोरदार तरीके से आप वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं रंजीत जी सिंपल सी बात है, सवाल लिकर पॉलिसी पे है। अगर शुभ्रांश जी 2 मिनट सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कहा, आप लोग में से जितने लोगों ने बोला मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं कहा, बोलने दीजिए शुभ्रांश जी शुभ्रास्ता को बोलने दीजिए। शुभ्रांश जी मैं आपसे ये सवाल तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछते पूछते थक गई, उन्होंने जवाब नहीं दिया, शायद आपके पास इसका जवाब हो। लिकर पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ही अगर एक व्हाइट पेपर जारी कर दे डिफेंड करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी बनाई गई उसको रिट्रैक्ट किया गया और दोबारा से लेकर के आया गया, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का क्या रैशनल था और किन किन लोगों को फेवर किया गया, इसके बारे में एक ऑफिशियल लाइन अगर आप ही लोग बता दें तो शायद दिल्ली की जनता आश्वस्त हो जाए। इस पे बात नहीं करेंगे आप, बात करेंगे डेमोक्रेसी पे, आप एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के चलेंगे क्योंकि ये मुद्दे आपके लिए बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं जी, जबकि प्रदेश की जनता को जी यही मुद्दे मैटर करते हैं। हमारे प्रदेश में लिकर स्कैम हुआ है,
इस प्रदेश की नागरिक होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में, एक सेकेंड, मैं जानना चाहती हूं कि इस लिकर स्कैम में क्या समस्या समस्या थी, और इस लिकर स्कैम को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अब जब वो चले गए हैं जेल के अंदर, तब उनको लग रहा है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये गलत बात है सुभ्रांश जी, इसीलिए आप इतना डिफेंड कर रहे हैं केजरीवाल को। आप इस पॉलिसी को डिफेंड कर दीजिए, उसके बाद की बात आप जाने दीजिए, बाकी आप बाकी राजनेताओं के साथ आप लड़ाई कर सकते हैं। मुझे एक दिल्ली सुभ्राष प्रदेश के नागरिक सुभ्राष होने के राय, नाते सिर्फ लिकर स्कैम पे अगर दो बिल्कुल लाइन, टाइम हाँ पे अगर जवाब आपने दीजिए। इतनी बातें कही, दो लाइन जरा लिकर स्कैम पर भी बोल ही दीजिए। मैडम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी निवासी और वोटर दिल्ली का ही हूँ। लेकिन सवाल ये पॉलिसी के ऊपर, आपने कहा बिल्कुल पॉलिसी गलत बनी है, तो पॉलिसी साइन करने वाले तीनों लोगों को उठाकर उनकी जांच कर लीजिए, जो भाजपा के बनाए हुए लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वो भी ओपन कैमरे के सामने कर लीजिए। आज तक सारी खुफिया कैमरा साइनिंग अथॉरिटी जो तीनों लोग थे, चीफ सेक्रेटरी जी, मतलब मैं ये, अरे रुक सो मैडम प्लीज, फाइनेंस सेक्रेटरी तीनों के पास नहीं। सुभ्रांश राय, सुभ्रांश राय, ये वाला विजडम कांग्रेस के नेताओं को पहले क्यों नहीं आया था? जब पहले जब अजय माकन पीसी करने आते थे, तब तो नहीं कहते थे कि ये तीनों को जरा पकड़ के लेके आओ? तब तो यही हो रहा था कि भाई सारी सारी चोरी वो आपके लोगों ने की। आज अचानक से आपका आपका गठबंधन हो गया, तो आपको लग रहा है कि ये सबकी जांच होनी चाहिए? जो लोग साइन कर रहे थे, जो साइन किया जिन्होंने, उन्हें हाँ, ये एकदम आप सही कह रहे हैं। जो विजडम आपने हमें सिखाया, अरे 2000 आप हर बार लौट के हमारे ऊपर आ जाते हैं भाई। अगर इसका मतलब है कि मतलब कांग्रेस के पास अपना कोई विजडम नहीं है ना, सब हमसे सीख के ही करेंगे आप। सुन तो लीजिए, राजनीति में ग्रह काल के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। जो नरेंद्र मोदी जी के पास स्विस बैंक के अकाउंट होल्डरों का पता था, वो 10 साल में उस कागज के ऊपर फफड़ा और भाखड़ा खा गए हैं। ये वक्त के साथ बदलता रहता है। बिहार के अंदर चौसा के बगल में जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई है, बिहार पुलिस घर में घुस घुस के मार रही है, गांव ब्राह्मणों का है, ठीक है, जमीन एक्वायर करने के नाम पे उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? अभी अभी बात हो रही है शराब घोटाले की। शराब घोटाले पे आप कोई बात नहीं करेंगे? आपने तय कर लिया कि शराब घोटाले पे कोई बात नहीं करनी, हमें दुनिया के तमाम मुद्दे ले आएंगे। ट्रंप ट्रंप का भी जिक्र कर लीजिए, देखिए ट्रंप की सरकार उधर आने वाली है यूएस में, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए, अगर इधर के मुद्दे खत्म हो गए हो तो। भी प्रचार करने, अब की बात ट्रंप सरकार करने जाएंगे, क्या बुराई है भाई, जाने दीजिए भाई। अब लोकतंत्र इधर, यहाँ यहाँ दिल्ली की बात हो रही है। 365 दिन सिर्फ चुनाव प्रचार करना है। दिल्ली दिल्ली की बात हो रही है, शराब घोटाले की बात हो रही है, आप उसकी बात नहीं करेंगे? जरा आप नहीं करेंगे, लेकिन जनता लगातार कर रही है वोट। जरा देखिए 31,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं, और चौथे और पांचवें सवाल का जरा एक बार रुझान देख लेते हैं। आज के और आंदोलन के दौर में जो केजरीवाल थे, उसमें बड़ा फर्क क्या देखते हैं? लोग क्या कह रहे हैं कि आज भी कट्टर ईमानदार हैं ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। अब भाई 2% लोग ये मानते हैं तो बाकी क्या मानते हैं? केजरीवाल भ्रष्ट हो चुके हैं ये मानने वाले लोग 95.3% लोग हैं। आप सोचिए 95.5% लोग मानते हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट हो चुके हैं और बदनाम किया जा रहा है केजरीवाल को, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% हैं। लोगों की राय कितनी स्पष्ट है इस मसले पे, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। पांचवें सवाल का भी एक बार दिखाइए रुझान कि सुनीता केजरीवाल बार 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल क्यों कर रही हैं? इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि सहानुभूति पाने के लिए ऐसा मानने वाले लोग करीब 70% हैं। 25% लोगों को लगता है कि वो केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हो सकती हैं, उनके बाद वो सीएम हो सकती हैं, तो इसलिए वो ऐसा अब सामने आ रही हैं नेपथ्य से निकल के, और पत्नी होने के नाते बोल रही हैं, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4.5% हैं। सो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि या तो सहानुभूति पाने के लिए, या हो सकता है कि वो बाद में अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए, इसलिए बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की तारीख में सुनीता केजरीवाल कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो उसके पीछे ये वजह हो सकती है। एक बार फिर से आकाशदीप पुनी का रुख करते हैं। आकाशदीप पुनी, तो अरविंद केजरीवाल जो खुलासा करने वाले हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश की उस पर नजर रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इतना समय लिया, नौ नौ समन और इतनी सारी बातें, इतने सारे आरोप लगने के बाद भी उनको मनी ट्रेल नहीं मिला, लेकिन जब अचानक से ईडी के हिरासत में गए, उनको सारा मनी ट्रेल पता लग गया है। उनको पता लग गया है कि ये शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये, क्या दिल्ली के लोग ये डिजर्व नहीं करते कि उनको एक ऐसी सरकार मिले जिसको लेकर के वो उन्हें एक, 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 एक
गर्व कर सकें, अगर दिल्ली के लोग अगर आज किसी कोई पूछेगा कि आज दिल्ली में कैसी सरकार है, तो दिल्ली के लोग क्या कहेंगे कि उनका एक ऐसा सीएम है जो जेल में बंद है। भाई जेल से गिरोह चलते रहे हैं, जेल से सरकार थोड़ी चलती रही है आकाशदीप मुनी। तो लोगों को कम से कम इतना लोकलाज तो रखना चाहिए कम से कम। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है कि ना कि फॉर्मर जस्टिस अजय रस्तोगी जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा है कि ना कि उनको कोई लीगल बैरियर नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के सरकार में। मेरे ख्याल से अगर जस्टिस बोल रहे हैं उनसे तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता, वो जानते हैं। मैंने तो कानूनी बात कही नहीं। मैंने तो कहा कि राजनीति में शुचिता और स्वच्छता की बात तो करते थे ना आप। आपने कौन से कानून की बात करके आप सत्ता में आए साहब? हर 5 सेकंड में अगर आप मुझे रोकेंगे मैं कैसे बोलूंगा सर? प्लीज 10 सेकंड्स। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपका जो पूरा जितना भी पब्लिक मीटर है वो बताता है कि ना कि इस बार अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं आने वाली। अगर हम आपके मीटर से जाए, अगर एक भी सीट आ गई, आपका पूरा मीटर गलत है। और मैं ये चीज आपको बोलना चाहता हूं, अपनी बात 20 सेकंड में खत्म करिए, 20 सेकंड में खत्म करिए, क्योंकि इसके बाद जरा हम टाइम्स नाउ समिट में एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है वहां जाएंगे और विनर्स के नाम हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ बात पूरी कर लीजिए। हाँ, एक मैं और 10 सेकंड लूंगा। मेरे प्रीवियस पैनलिस्ट ने ये बात कही थी कैग रिपोर्ट्स के बारे में। मैं बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है नॉन सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डेप्ट मैनेजमेंट 2022 की। कैग रिपोर्ट्स में पाया गया था कि महाराष्ट्र में 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, 42,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस चर्चा को यही विराम देंगे।